हेलो एंड वेलकम। आज मैं दो एरे को ज्वाइन करना दिखाऊंगी। दो एरे के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक तीसरे एरे में किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक एरे, यहाँ पर पहले एक एरे ले लेंगे और इंट ए, ये पहला एरे है, इक्वल टू कुछ भी अपना लिख देते हैं, दो कोमा तीन कोमा चार कोमा छः, ये एक एरे है। और दूसरा एरे है बी थर्टीन, नहीं थर्टीन दे देते हैं, थर्टीन कॉमा फिफ्टीन कॉमा सिक्सटीन कॉमा एटीन कॉमा नाइनटीन। तो यहाँ पर दो एरे दिए हैं, हम चाहते हैं तीसरा एरे होगा जिसमें ये दो तीन चार छः और तेरह पंद्रह सोलह अठारह उन्नीस पूरा उसमें आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इंट एम इक्वल टू ए डॉट लेंथ ले लेंगे, और इंट एन इक्वल टू बी डॉट लेंथ, और इसके अंदर इम प्लस है। और इसके बाद हम पहले डिस्प्ले करा लेते हैं ए और बी को, फर्स्ट फर्स्ट एरे और फिर बैक स्लैश, और इसके बाद फॉर लूप देके फर्स्ट एरे को डिस्प्ले करा फॉर I is equal to 0, I less than 10 नहीं लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टली उसको डिस्प्ले कराना, प्लस ए आई ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला फोर
8 is equal to 0, k less than n, or k plus plus. यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले कराने से पहले सेकेंडरी लिखते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट ln बैक प्लस n सेकेंड एरर, फिर इसके बाद बैक प्लस एन, और इसके बाद हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट इसी तरह से प्लस बी बी जी तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया ए आई और सेकंड हो गया बी जी। अब हम चाहते हैं कि जो ज्वाइन किए हुए हैं वो सिस्टम आउट प्रिंटलन एक्स प्लस एन, उसके बाद ज्वाइनिंग एडिंग बैक प्लस एन। हम पहले ही लिख दिए हैं, अभी हम डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, अभी हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो प्रोसेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये दे देंगे तो ये वाला डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले बाद में कराते हैं। यहाँ पर फिर हम फॉर लूप लेते हैं, फॉर I is equal to 0, I less than m, I plus plus, और इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं C I इक्वल टू ए आई, मतलब सी आई में ए आई को हम सी आई में रख दिए हैं। अब दूसरा फॉर लूप, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, j less than n, j plus plus, ये हो गया। अब इसका c यहाँ पर c का वहाँ पर m एलिमेंट हो गया है, m प्लस
जी इक्वल टू बी जे ये हो गया। अब हम डिस्प्ले कराते हैं फॉर इंट आई आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एम प्लस एन आई प्लस प्लस सिस्टम आउट प्रिंट और इसके बाद प्लस सी हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होगा और इसके बाद फॉर लूप को बंद करते हैं और फिर मेरा यहाँ पर यहाँ पर एक ये हो गया फॉर लूप का यहाँ पर। अब हम कंपाइल करते हैं सिस्टम आउट प्रिंट में और यहाँ पर सेमीकॉलन छूटा है कंपाइल। हाँ कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन कराते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट अरे 2 3 4 से सेकेंड अरे 13 15 16 ये जॉइनिंग अरे 2 3 4 6 13 15 16 18। थैंक यू।